अंगूरी, अरे फोन उठाओ, देखो किसका फोन है। आ रहे आ रहे लड़के भैया, ले रहे हैं, कितना बजोगे? हेलो, दिस इज लड़के भैया का रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं, रेजिडेंस होता है पगली। सही पकड़े हैं, कौन बोल रहा है? डैडू। डैडू प्रणाम कर रहे हैं। अरे यार, इनके डैडू को भी चैन नहीं है, पता नहीं हमेशा इनके गुर्दों में खुजली मची रहती है। हम ठीक बा, आप कैसे बा? ना ही ना ही डैडू, कच्चा बनियान हमको परेशान ना ही करते हैं। हाँ हाँ, बरबूती जी भी ठीक है। क्या बोले? हाँ डैडू, बरबूती जी भी अच्छे हैं, लड्डू के भैया भी बहुत ही अच्छे हैं। आप ऐसा काहे बोलते हैं कि लड्डू के भैया आपका दामाद बनने के लायक नहीं है और बरबूती जी? अरे यार, ये बुढ़ऊ भी ना, जी करता है बुढ़ऊ के हाथ पैर तोड़ दे। सुनिए डैडू, हम ना आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ ठीक बा। क्या बकवास कर रहे थे तुम्हारे डैडू? कुछ नहीं लड्डू के भैया, आप तो उनका आदत जानते हैं ना। देखो, अपने डैडू को साफ साफ कह दो कि हमारा अपमान करना छोड़ दे। हमारे जैसा दामाद उनको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वो तो हम जानते हैं ना लड्डू के भैया, अभी आप शांत हो जाइए। काहे के शांत हो जाइए? पता नहीं भभूती जी ने क्या घुट्टी पिला रखी है तुम्हारे डैडू को, जब देखो भभूती जी का गुणगान करते रहते हैं। जबकि अगर भभूती जी जैसा दामाद उनका होता ना, तो भूखी मरती अभी तक। क्या बका आपने अभी? क्या बका? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, इनके डैडू जो है ना, हमारी और आपकी तुलना करते हैं, जबकि आप कहां और हम कहां। आप खोखे पर हैं कच्चे बनियान के, और कहां? ठीक है, हम तो खोखे पर हैं, लेकिन आप कहां हैं? हम लोगों के दिलों में हैं। आप भुइयां के खेत में हैं, हमारी बगल में खड़े होने के लायक भी नहीं है। आप भी हमारे बगल में खड़े होने के लायक नहीं है। आप तो अंकल जी के दामाद बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। अरे जाइए, आप तो भाभी जी के पति बनने लायक नहीं है। भाभी जी के पति बनने लायक नहीं है। आप नहीं है, आप नहीं है, आप कैसे भी हैं? अभी झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, झगड़ा ये कर रहा है, इन्होंने शुरू किया था मेरे बारे में उल्टी सीधी बात बोल के। अरे आप, आपने झगड़ा शुरू किया, आप क्यों मुंह उठा के चले आते हैं हमारे घर में? अभी चले आते हैं हमारे घर में अपना मुंह उठाकर। देखिए भरभूति जी, शांत हो जाइए, भैया शांत हो जाइए, जाइए यहाँ से। भरभूति जी, हम ना ही चाहते कि आपका और लड़के भैया का झगड़ा बढ़े, हम हाथ जोड़ते हैं, जाइए। भाभी जी प्लीज, हाथ मत जोड़िए। आई आई हेट यू जोड़िंग हाथ इन फ्रंट ऑफ मी, इट्स ऑलराइट। अब कहती तो जाता हूं, लेकिन याद रखना तिवारी जी, देख लूंगा मैं आपको। अरे जाइए, हम भी आपको देख लेंगे। जाइए आप। काम कीजिए, खोखे का काम कीजिए। क्या बोली? सांप का काम कीजिए, सांप का। नहीं नहीं नहीं, तुम उसे जुए में 1,000 रुपया हार गए है, मुझे 1,000 रुपए कैश चाहिए अभी इसी वक्त। तुम्हारे कैश के बदले मैं अपना बेशकीमती कुत्ता ये जानकी दास दे रहा हूँ ना तुमको। तेरे कुत्तों में लाल अटक रो है का? क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो ना भैया, जब मस्तराम है ना, ये मुझसे 1,000 रुपया जू मार गो, मैं कहता हूँ 1,000 रुपया कैश मुझे अभी दे, ये मुझे कुत्तों दे रो है। बताओ, जब कुत्तों को मैं इसका अचार डालूंगा। भाई साहब, ये जो आपका लौंडा है ना, एक नंबर का गधा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या है ना भाई साहब, ये जो हमारा कुत्ता है ना जानकी दास, कोई साधारण कुत्ता नहीं है, बड़ा ही भावुक है, भावुक। जी हाँ, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना, एक बार इसको उस आदमी की तस्वीर दिखा दीजिए और फिर भड़का दीजिए जो भी भड़काना हो, क्योंकि कान का भी बड़ा कच्चा है ये, उसका छोड़ दीजिए उसके पीछे, फिर देखिए ये कैसा बैंड बजाता है ये उसकी। एक ठीक है, स्मार्ट ना बेटा। भैया आप भी कमाल करते हैं। लवली। कैसा लग रहा भैया? स्मार्ट लग रहे हो। जानकी दास भाई साहब, ये देखिए जरा फोटो, गौर से देखिए। ये भाई साहब, कुछ और काटिए।
ये तो बड़ी कमाल की चीज है यार। अमरसराम जी समझ नहीं कि आपका कुत्ता बिक गया, हमने खरीद लिया, आपके 1000 रुपए हम इनको दे देंगे, आ जाइए। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भैया मेरे 1000 रुपये। हाँ जानकी दास जी, ये आदमी क्या भैया कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो घर की बात है, घर में रहनी चाहिए ना। आई जानकी दास जी, आई 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 जानकी दास जी, आई आई आई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ। डोंट गेट एक्साइटेड, पूरी बात सुन लीजिए। एक्चुअली ये घर उसी आदमी का है जिसने आपकी मॉम के लिए कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। यू सम रॉन्ग वर्ड्स फॉर योर मदर। हाँ एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कि इसने आपकी माता जी के बारे में क्या कहा। एक्चुअली इसने आपकी मॉम के बारे में कहा कि आपकी मॉम का जो अपना ये जो किरदार है, कैरेक्टर है, थोड़ा सा यू नो आई एम नॉट फाइंडिंग द बेटर वर्ड देन ढीला है। शी इज लिटिल लूज यू नो। आई अंडरस्टैंड। दरअसल जिस गली की आपकी पैदाइश है उस गली के 8-10 करीब कुत्ते जो इस बात का दावा करते हैं कि आप उनकी औलाद हैं। आई मीन कईयों में आपकी शक्ल मिलती है। दैट्स फॉर द रॉल क्लेम यू नो। ओके ओके आई अंडरस्टैंड। आपको बहुत बुरा लग रहा है और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। आई रियली फेल्ट हॉरिबल। जानकी दास जी, मुझे पता है कि आप जानना चाह रहे हैं कि वो कौन शख्स है जिसने आपकी माता जी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो आदमी ये है, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, टटपूंजा किस्म का आदमी है। इसका एक कच्चे बनियान का खोखा है दाल मंडी में। तो आप खुल के अपना बदला ले सकते हैं विद लॉट ऑफ वेंजेंस यू नो। हिज नेम इज मनमोहन तिवारी एंड ये उसकी फोटो है, ये देखिए। वो ऐसा दिखता है। आपसे एक मेरी पर्सनल गुजारिश है कि आप इस आदमी को ऐसी ऐसी जगह काटें ताकि जब ये जंगल पानी के लिए जाए तो आपकी बेसाख्ता याद करे। और एक्चुअली क्या है कि आपकी जो बहन है उनके बारे में कुछ उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि उस आदमी के आने का टाइम हो गया है और यही मौका है कि आप अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका दीजिएगा। और मैं देखता हूँ ऊपर से खड़ा होकर कि आपने वो दूध का कर्ज कैसे चुकाया। ऑलराइट बाय। तेरी मेहरबानिया तेरी कदरदानिया। अभी क्या जो इत्तेफाक है भाई, अभी अभी हम तेरी मेहरबानियां फिल्म देखकर आ रहे हैं जिसका हीरो एक कुत्ता है। और इत्तेफाक देखिए कि हमारे दरवाजे पर भी इतना प्यारा सा कुत्ता बैठा है। अरे वाह। कौन हो भाई है? किस गांव से हो भाई? इस मोहल्ले के तो लगते नहीं क्योंकि इस मोहल्ले के तो सारे कुत्ते खजैले हैं। क्या वो तेरी मेहरबानियां वाले कुत्ते के तो दूर दूर के रिश्तेदार हो क्या? तो कोई पोते वोते हो है? जी तिवारी जी, क्या क्या तरीका है ये? आप ऐसे ही आ जाते, घर में घंटी नाम की भी कोई चीज होती है।
क्षमा चाहते हैं भाभी जी, क्या है कि उसने मौका ही नहीं दिया। अगर हम घंटी बजाने जाते तो हमारी घंटी बजा देता। कौन बजा देता आपकी घंटी? अब क्या बताएं भाभी जी, दरअसल एक कुकुर महाशय हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आपने उसे कुकरी को छेड़ दिया होगा, आई एम श्योर। ज्यादा बकिया मत, ऐसी हरकतें सिर्फ आप कर सकते हैं। आप नहीं, ऐसी हरकतें आप करते हैं। आप करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ सकती हूँ, कुकर और ये कुकरी क्या है ये? भाभी जी, कुकर नहीं, कुकुर। कुकुर? ये कुकुर क्या होता है? ये होता भाभी जी। आप कुत्ते की बात कर रहे हैं? जी हाँ। अरे पापा, तो सीधे सीधे बोलिए ना, कुत्ता। जाइए, आपके अपने वाले बुला रहे हैं आपको। आपके अपने वाले बुला रहे हैं, आप जाइए। कुत्ता पीछे आपके पड़ा था, मेरे नहीं पड़ा था। अरे भाभी जी, आप जाकर भगा दीजिए ना, हो सकता आपको देखकर खुश हो जाए। जाइए। क्या तिवारी जी, आप कुत्ते से इतना डरते? बिब्बू को देखिए कैसे खेलता है कुत्तों के साथ। हाँ भाभी जी, ये तो है भी उसी प्रजाति के। पता आपने अभी? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये कि हम भी भाभी जी कुत्तों से डरते नहीं है। हमारा भी एक लंबा अनुभव रहा है कुत्तों के साथ। काम कीजिए, अगर खेलिए, अगर हिम्मत है ना, जाए खेलिए उसके साथ। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, बशर्ते हमारे हाथ में एक बिस्कुट हो। अनु, इनके हाथ में बिस्कुट दो। हाँ, तुम जाकर दे दो इनको। ऑलराइट। हेलो। रे बाप, कितना प्यारा है। अब तो आपके हाथ में बिस्किट है, आपकी बैंड बज रही है आपकी। देंगे आग रहे थे कि बिस्किट आ जाए एक बार हाथ में, तो पटा लूंगा कुत्ते को। पटाइए, जाइए जाइए। आप चुप रहेंगे, हम जा रहे हैं ना उसके पास, जा रहे हैं। तिवारी जी, कितना प्यारा कुत्ता है, जाइए ना। अरे यार, आप देखो कुत्ता भाई, ऐसा है कि ये हमारी इज्जत का सवाल है। भाभी जी सामने खड़ी, उनके सामने हमें काटना मत। फिलहाल ये बिस्किट खाइए। गुड तिवारी जी, गुड। देखा भाभी जी, हमने कहा था ना कि हम एक एक बिस्कुट से ही बस इसको अपना दोस्त बना लेंगे। साला ये जानकी दास तो बड़ा बेशर्म निकला। मैंने इसको तिवारी के खिलाफ इतना भड़काया, लेकिन साला ये एक बिस्किट में बिक गया। अब बेटा, एक काम कर, जल्दी से यहां से निकल ले, ताकि हम अपने घर जा सके। हैं, चल हट जा। Come on, bite him on the bombs, bite him. ये क्या है? तुम क्यों उकसा रहे हो उस कुत्ते को? हाँ? उकसा कर रहा हूँ यार, मैं तो मजे ले रहा हूँ। I'm enjoying myself. ये क्या sense of humor है? वो तिवारी जी तकलीफ में हैं और तुम उनकी तकलीफ में मजे ले रहे हो। ये बात ना मुझे तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आती। Come on, bite his bombs. मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। अब वेलकम भरभूति थी। अभिजीत, वेलकम। ऐसे ही पकड़े हैं। हम कहाँ पूछ रहे थे भरभूति जी, कि आप लड्डू के भैया को कहीं देखे का? मैं उनको देखना चाहता भी नहीं। अका बोले? अभिजीत, मैंने नहीं देखा उन्हें। क्यों, कहीं निकलनी है क्या भाभी जी? हाँ, वो कहा है ना कि सुबह कहीं बाहर गए थे। हाँ। और फिर वापस ना ही आए अभी तक। भाभी जी डोंट वरी, बड़े अय्याश किस्म के आदमी कहीं बैठे होंगे यारों दोस्तों में, तब तक तो खेल रहे होंगे। डोंट वरी, आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे लड्डू के भैया ऐसे बिल्कुल ना ही है, अय्याश ना ही है। भाभी जी आप ठहरी गाँव की मासूम अल्लड़। आपको क्या पता भाभी जी कि वो आदमी कहाँ कहाँ जाके किस तरह के गुल खिलाता है? कहा बोले? पर भाभी जी, और बताइए आप कैसी हैं? हाउ आर यू? हम तो एकदम ठीक बा।
भाभी जी बहुत दिनों से आप वो लाल साड़ी नहीं पहन रही, बड़ी पटाखा लगती है उसमें आप। क्या बोले? उनका वो पटाखे का जो रंग है ना, लाल रंग का जो पटाखा होता है वैसा कलर लगता है उस साड़ी का मुझे, तो आप वो नहीं पहन रही बहुत दिन से। का भरभूति जी आप ही का साड़ी का बात लेकर बैठे हैं? क्या हमको लड्डू के भैया की कितनी चिंता हो रही है? अभी आप चिंता मत कीजिए, उन्हें पालतू कुत्ता घर पे लौट के आता है, डोंट वरी ही विल कम बैक। अरे फोन, लड्डू के भैया का फोन है। हेलो, अरे कहाँ हैं आप? हम कब से आपका राह देख रहे हैं। अरे का बताए अंगूरी, हम तो कब से घर आने की फिराक में है, लेकिन एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया है। अरे का बात कर रहे हैं? अरे कम वक्त ने कहाँ कहाँ नहीं दौड़ाया तुम्हें, का बताएं? और वो कुत्ता हमारे दरवाजे पर ही बैठा है अंगूरी। वो जो दरवाजे पर बैठा है वो? हाँ हाँ वही। हदिया, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा कुत्ता है। अरे कोई प्यारा ब्यूटीफुल कुत्ता नहीं है साला, बहुत खतरनाक है। तुम उसके पास बिल्कुल मत जाना, समझी? नहीं जाएंगे, लेकिन फिर आप घर वापस कैसे आएंगे? वो हमने वो कुत्ता पकड़ने वाला स्क्वाड है ना, उसे बुलवाया है, वो पकड़ लेंगे तो उनके साथ आ जाएंगे। ठीक है? ठीक बा, ध्यान रखिए, काटे ना ही आपको। नहीं नहीं, भगवान। क्या बोल रहे आपके लड्डू के भैया? वो कहा है ना भरभूति जी कि एक तो कुत्ता लड्डू के भैया के पीछे पड़ गया है, उनको घर के अंदर ना ही आने दे रहा है। अभी जी डोंट वरी, मैं हूं ना आपके पास, आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। कौन जरूरत नहीं है। वो कहा है कि लड्डू के भैया वो जो कुत्ता पकड़ने वाले होते हैं ना, उनको बुलाए हैं। अरे यार फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, निकलना चाहिए यहाँ से। कुछ लेंगे चाय वाय? नहीं मैं चलता हूँ। वो देखिए भाई साहब, वो बैठा है वो शैतान कुत्ता जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने घर में घुस नहीं पा रहे। देखिए वो बैठा है। आप चिंता मत करिए सर, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो इससे भी भयंकर भयंकर कुत्ते पकड़े हैं। हाँ तो जाइए तुरंत पकड़ लीजिए। क्या है किसकी वजह से यार, सुबह से कुछ खाया भी नहीं यार, बहुत भूखे हैं। एक काम कीजिए, ये पकड़िए फिलहाल, जाइए तुरंत जाइए भाई, फील्डिंग लगाते हैं। अबे पकड़ना, क्या कर रहा है, पकड़ा। रुक जाओ, खबरदार तुमने हाथ लगाया इस कुत्ते को। अरे काहे नहीं पकड़ सकते हैं? आपके गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? आपका रिश्तेदार लगता है क्या ये? रिश्तेदार नहीं है मेरा, लेकिन ये एक बेजुबान मासूम जानवर है। घुइया का मासूम है। हमारे पीछे पड़ा हुआ आपको मासूम लगता है? हमारा जीना हराम कर दिया इसने। लेकिन क्यों बना जान का दुश्मन आपको, क्यों बना? आपने कुछ किया होगा, बदमाशी की होगी, बदतमीजी की होगी कुछ, I'm sure। क्या हो रहा है यहाँ पर? शोर हो रहा है? आप लोग बड़े राइट टाइम पर आए हैं। आइए 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 भाभी जी, आइए। वाह वाह, क्या बात है, क्या एंट्री आप लोगों की। आइए आइए प्लीज आइए। भाभी जी इसको हाथ लगाइए। नहीं नहीं हम हाथ नहीं लगाएंगे, हमको काट लिया तो। भाभी जी ये नहीं काटेगा, अगर इसने आपको काटा ना तो आप मुझे काट लीजिएगा, बस हाथ लगाइए। नहीं काटेगा, प्लीज हाथ लगाइए। छुई 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 इसको छुई। देखिए हेलो, ये तो बहुत ही अच्छा कुत्ता है लड़की भैया, देखिए। अनु तुम हाथ लगाओगी या डरोगी? ऑफ कोर्स नॉट विभू, मुझे तो कुत्ते बहुत पसंद है, मेरी और कुत्तों की केमिस्ट्री अलग होती है, आई नो हाउ टू हैंडल डॉग्स। कम हियर माय हैंडसम डॉग। देखा आप लोगों ने, गलिया कुत्ता नहीं है ये, बहुत ही खानदानी कुत्ता है। क्या बोलती अनु से? ओ मैडम जी, अरे कुत्ता बड़े घर का हो या छोटे घर का, कुत्ता कुत्ता होता है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, उठा के ले जाओ, नो प्रॉब्लम। मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा सोशल मीडिया पे।
नीचे लिखूंगा कि ये दोनों इस मासूम बेजुबान जानवर को हैरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब देखना कौन आएगा, एनिमल राइट्स वाले, और तुम दोनों जाओगे जेल में। और जेल में पीसिंग चक्की, समझे ना? भाग ले यहां से। हाँ नहीं तो। अरे ओ भैया, अरे पैसे नहीं है यार, पकड़। अरे सुनो भाई साहब। क्या भकूति जी, कहीं नहीं पकड़ दिया आपने शैतान को? सुना आपने, आपको शैतान कह रहे हैं ये? मुझे बैठे ना रिक्शे पे, वो देखी जाए।